योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की आज पहली बैठक होने जा रही है लखनऊ में। सुबह 10 बजे योगी कैबिनेट की मीटिंग है और कैबिनेट की इस बैठक के बाद प्रोटेम स्पीकर की शपथ होगी। राजभवन में प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाई जाएगी। रमापति शास्त्री बनेंगे प्रोटेम स्पीकर। तो आज प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई जानी है। सुबह 10 बजे योगी कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है। आदित्यनाथ योगी 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद योगी आदित्यनाथ फिर से यूपी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। पीएम मोदी समेत तमाम बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में योगी ने सीएम पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री की दोबारा कमान संभालने के बाद सीएम योगी ने लखनऊ में मंत्री परिषद की पहली बैठक भी की। लोक भवन में हुई योगी कैबिनेट की पहली बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह सहित सभी नए मंत्री शामिल हुए। मीटिंग में कामकाज को लेकर रोड मैप पेश करते हुए सीएम योगी ने मंत्रियों को पूरी लगन के साथ काम करने की अपील की। बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दोहराया कि लोक कल्याण पत्र सरकार की कार्य योजना है और समाज के दुख दर्द को समझने वाला मंत्री परिषद है और लोक कल्याण संकल्प पत्र के रोड मैप के आधार पर हम प्रदेश को आगे लेकर। आज सुबह 10 बजे फिर मंत्री परिषद की बैठक होनी है। आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बीजेपी विधायक रमापति शास्त्री को प्रोटेम स्पीकर की शपथ भी दिलाएंगी। सुबह 11 बजे राजभवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने आज सभी अपर मुख्य सचिव, सचिव, प्रमुख सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक भी बुलाई है। वहीं आज समाजवादी पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक भी होनी है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में विधायक दल का नेता भी चुना जा सकता है। साथ ही आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी आज अपने विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं योगी मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश की गई है। पूर्वांचल से कई लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिल पाई है और इनमें जो नाम है पूर्वांचल से सूर्य प्रताप शाही कैबिनेट मंत्री और पूर्वांचल से अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री का पद इनको मिला है। तो आपको हम बता रहे हैं योगी 2.0 में जो क्षेत्रीय संतुलन साधा गया है, रविंद्र जायसवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाराणसी नॉर्थ, गिरीश चंद्र यादव राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इनको दिया गया। जौनपुर से आते हैं दयाशंकर सिंह बलियानगर से, पूर्वांचल से और संजीव गौर राज्य मंत्री ओबरा से, विजय लक्ष्मी गौतम राज्य मंत्री सलेमपुर से। तो किस तरीके से क्षेत्रीय संतुलन को साधा गया। अवध क्षेत्र की बात करें, केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री सिराथू से, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री लखनऊ कैंट से, नंद गोपाल गुप्ता नंदी कैबिनेट मंत्री इलाहाबाद साउथ से, नितिन अग्रवाल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इनको सौंपा गया हरदोई से, मयंकेश्वर सिंह राज्य मंत्री तिलोई, सुरेश राही राज्य मंत्री हरगांव, राकेश राठौर राज्य मंत्री सीतापुर, रजनी तिवारी राज्य मंत्री शाहबाद, सतीश शर्मा राज्य मंत्री दरियाबाद। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।